रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। यहां आंधी तूफान ने मचाया तबाही छिंदवाड़ा, पिपला नारायणवार। बुधवार दोपहर जाम सांवली और पांडुरना के बीच करीब 2 से 2.5 घंटे आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश के चलते सोनसर पांडुरना मार्ग के ग्राम रिधोरा में एक आम का पुराना पेड़ धराशायी हो गया, जिससे सोनसर पांडुरना मार्ग करीब 3 घंटे बंद रहा। पिपला नारायणवार पुलिस चौकी प्रभारी प्रिंसी साहू व प्रीति साहू ने मौके पर पहुंचकर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से पेड़ को रास्ते से हटाया। जब कहीं शाम 6 बजे मार्ग शुरू हो सका। बड़चिचोली में मकान पर गिरा पेड़। बड़चिचोली ग्राम पंचायत के आजना गांव में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश के चलते पीपल का पेड़ धराशाही हो गया। यह पेड़ क्षेत्र की रहने वाली मीराबाई पंद्राम के मकान पर गिरा, जिससे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। वहीं कुछ जगह बिजली के पोल भी गिरे हैं, जिससे बिजली सप्लाई बाधित हुई। अभी तक 17 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज। छिंदवाड़ा ऐत जिले में अभी तक 17 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि तक 13.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 6 जून को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 3.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू अभिलेख ललित ग्वालवंशी ने बताया कि बुधवार को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान तहसील छिंदवाड़ा में 5.8, मोहखेर में 2.4, पांडुरना में 5, बिछुआ में 29.4 और चांद में 4.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में 1 जून से अभी तक तहसील छिंदवाड़ा में 33.2, मोहखेड़ में 3.6, तामिया में 5, अमरवाड़ा में 3.2, हरई में 1, सोनसर में 40, पांडुरना में 39, बिछुआ में 58, परासिया में 3.5, चांद में 11 और उमरेठ में 23 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अमरवाड़ा में रात को झमाझम। अमरवाड़ा क्षेत्र में बुधवार रात करीब 10 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हो गयी, जो देर रात तक होती रही। वहीं बारिश शुरू होने के बाद से क्षेत्र में बिजली सप्लाई भी बंद हो गई, जिससे लोगों को परेशानी।